अब बातचीत करेंगे सुरेंद्र पार्क होटल्स के बारे में। कंपनी के भी हाल ही में लिस्टिंग हुई है और कंपनी ने अपने लिस्टिंग के बाद नतीजे पेश किए। कंपनी देश में लग्जरी होटल का एक चेन पूरी चलाती है। कंपनी के पास कई सारे मतलब लगभग 30 होटल कंपनी ऑपरेट करती है, जिसमें से 7 ओन है, 30 लीज हैं और 20 का मैनेजमेंट देखती है। 2000 से ज़्यादा कमरे हैं द पार्क, जोन बाई पार्क और जोन कनेक्ट बाई पार्क, ये इस ब्रांड नेम से होटल चलाते हैं। 8वीं सबसे बड़ी होटल चेन्स हैं। बातचीत करेंगे कंपनी के MD विजय दीवान जी से। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे पेश किए आपने, नतीजे देख के बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा अपटिक है, एबिटा पैट वगैरह सारे कुछ बढ़िया आए हैं। किसी प्रकार का एडजस्टमेंट है या बिल्कुल प्लेन वनीला बेस्ट नंबर है? ये बहुत ही अच्छे नतीजे आए हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही उत्कृष्ट नतीजे हैं। अगर आप उनको स्टडी करें तो रेवेन्यू जो है लगभग 15% बढ़ा है, उसके बाद जो एबिटा मार्जिन जो है वो 37% पे है इस क्वार्टर में, और उसमें भी 15% की इंक्रीज देखी गई है। और उसके साथ साथ जो पैट है हमारा वो इस वक्त लगभग 46-47% से बढ़ा है, तो नतीजे जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले क्वार्टर्स और आगे की अगले अगले साल भी ये रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। ओके, अच्छा इसमें किसी प्रकार का एडजस्टमेंट है क्या टैक्स वगैरह का? नहीं, रिजल्ट्स में किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं है। हमारी ऑक्यूपेंसी अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में 90% रही है, और पार्क जो एक भारत का अपना ब्रांड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लेगेसी ब्रांड है, 1967 से हम लोग इस बिजनेस में हैं। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब हार्ट ऑफ टाउन में है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में है, और हमारी परफॉर्मेंस ऑक्यूपेंसी की हमेशा भारत में सबसे ऊंची रही है, और YTD बेसिस पे 92% ऑक्यूपेंसी है हमारी, और जो एवरेज रेट होता है उसमें भी इस क्वार्टर में 14% की इंक्रीज हुई है। सवाल ये था, भी रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम में भी 14% की इंक्रीज हुई है। सवाल ये था कि किसी प्रकार का कोई टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं है, ये नंबर एक्चुअल में है, इसलिए मैं सवाल इसलिए पूछ रहा था। ऑक्यूपेंसी डेफिनेटली। एक चीज और बता दूं कि IPO जो हमने किया है उसके अंदर से जो हमारे को IPO प्रोसीड्स हैं उससे हमने पहली चीज ये की है कि हमने डेट को पूरा रिटायर कर दिया है, तो अब ये एकदम डेट फ्री कंपनी है। इनफैक्ट डेट पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव है, नेट कैश पॉजिटिव, और इसके कारण जो एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इससे जो हमारी नेटवर्थ है वो अभी लगभग दुगनी हो गई है, लगभग 1200 करोड़ की नेटवर्थ हो गई है कंपनी की, तो इससे एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे के सालों में, एक तो की इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने की, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। अच्छा, चूंकि IPO प्रोसीड से डेट उतारना था तो आपने लगभग लगभग 600 करोड़ के आसपास का डेट उतार दिया होगा, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी बचेगी जो एड ऑन होगी, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो इस साल के अंदर लगभग 5-6 करोड़ का, क्योंकि हमारा IPO 12 फरवरी के आसपास आया था, तो विद इन 3 डेज डेट को रिटायर कर दिया गया है, तो लगभग जो डेढ़ महीने का टाइम है 45 डेज में, उस वक्त उसके अंदर हमें लगता है कि 5-6 करोड़ का ऑटोमेटिकली जो पैट है वो बढ़ जाएगा, और बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, इसके कारण आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट ईयर से कितना एडिशन होगा इसमें और आप कितना प्रॉफिट लॉक करेंगे, मतलब अभी ईयर क्लोज करेंगे 50 करोड़ के आसपास? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को देखें तो इस वक्त इंडिया में जो डिमांड सप्लाई के अंदर बहुत बड़ा गैप है, जिसको मतलब उसको इस वक्त जो डिमांड है वो लगभग 10.5% से बढ़ रही है और सप्लाई जो है 5-6%, तो ऐसा लगता है कि नॉट ओनली हमारे लिए पूरे इंडस्ट्री में लगभग 12-14% की ग्रोथ आने की 100% उम्मीद है, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म है। इसके अंदर गैप अगर आप इंडिया में देखें तो इस वक्त करीब लगभग 1,83,000 रूम है ब्रांडेड कैटेगरी में, और अगर आप सिर्फ शंघाई को देखें तो वहां पे 2 लाख रूम मिलते हैं, और दुबई में 1,55,000 रूम है, तो
तो हमारे पास तो रूम ही नहीं है और बहुत ज्यादा डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है। तो अगले सालों में मतलब हॉस्पिटैलिटी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहने की उम्मीद है और रहेगी। देवन साहब, ये जो डिमांड आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आ रही है और मिसमैच है, किस तरह की डिमांड ज़्यादा, कॉरपोरेट है या लीजर वाली है, किस तरह की डिमांड तो ज़्यादा अगर आ रही है? सेगमेंट वाइज देखें तो अब कोविड के बाद एक नया सेगमेंट भी शुरू हो गया है जिसको बी लीजर बोलते हैं। बी लीजर का है कि आप ट्रैवल करते हैं 2 दिन के लिए, तीसरा दिन आप लीजर के लिए ट्रैवल करते हैं। तो इस तरीके का बिजनेस भी, एक नया बिजनेस भी शुरू हो गया है। तो लगभग हमारा 40% 40-41% का बिजनेस जो है वो कॉर्पोरेट का है हमारे बिजनेस में, और इसी हिसाब से लीजर का बिजनेस भी 41% का है, लेकिन उसके अंदर बी लीजर जो है वो लगभग 25% का है। 7% हमारा जो बिजनेस है वो एयरलाइन का है, और 9% जो है फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर्स होते हैं वो भी हमारे पास बिजनेस है। तो टोटल इसका 100 होता है। और इंडिया में अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है नीरज जी की रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी बहुत जबरदस्त गति आई है। जिस तरीके से अयोध्या में आप अगर देखें तो लगभग 30 मिलियन, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30 मिलियन पीपल जो है अयोध्या विजिट करेंगे इस साल के अंदर ही, जो कि मेका के 25 मिलियन से ऊपर जाएगा, और उसके अलावा वेटिकन से 9। तो इंडिया की जो ये अयोध्या की डेस्टिनेशन है वो नंबर 1 हो जाएगी। तो इससे भी टूरिज्म में बहुत जोर की गति आ रही है और ये गति मेंटेन रहेगी, और ना कि रिलीजियस टूरिज्म में, ना कि अयोध्या में गति आ रही है। वाराणसी है, अब द्वारका है, दूसरे तिरुपति, इन सब रिलीजियस डेस्टिनेशन में एक नई सी ऊर्जा आई है, और आपका ये होटल है काफी सर क्या अयोध्या में? काफी रहेगा। अयोध्या में मतलब ये जो टूरिज्म है ये बहुत स्ट्रांग रहेगा। नहीं, और मैंने पूछा आपका होटल है क्या सर अयोध्या में? अभी अयोध्या नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बैलेंस शीट अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो नई दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लक्षद्वीप है, अयोध्या है, इन सब में कोशिश अच्छा जारी है कि जी कोई दीवान जी, ये ले जो जितने आए। रिलीजियस स्पेस प्लेसेस आप गिना रहे थे, अयोध्या, वाराणसी, तिरुपति, कहाँ कहाँ आपके होटल्स हैं? नहीं, हमारे होटल्स जो हैं वो इस वक्त जो हमारे अपने होटल्स हैं वो मेट्रो सिटीज में हैं, और मेट्रो सिटीज में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में तो सप्लाई आ ही नहीं रही है। तो इसके कारण जो हमारा ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली दूसरे कंपैरेटर से ज्यादा ज्यादा ही रहेगा, और हम लोग का फोकस मेट्रो सिटीज में ही रहता है। तो अभी तो और रिलीजियस में नॉन इतनी लीजर बड़ी अपॉर्चुनिटी डेस्टिनेशंस है, में आप वहाँ प्लान नहीं कर रहे कि अयोध्या में होटल खोलें, नहीं, वाराणसी नहीं में होटल पूरी खोलें? पूरी कोशिश जारी है। हमारी टीम अयोध्या 2 बार विजिट कर चुकी है, गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट हो चुका है। सिमिलरली प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप के ऊपर भी लक्ष्य रखा है, तो उसके ऊपर भी हमारा हमारी नजर है। तो वहां पे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के साथ मिलके या प्राइवेटली भी प्रॉपर्टी को बनाया जाए। तो आप कह रहे हैं कि अयोध्या में और लक्षद्वीप तो आपके रडार पे पहले ही आ चुके हैं, इसके अलावा कोई और? क्योंकि अब आप इतनी बड़ी बात बता रहे हैं कि इतना डिमांड है और मिसमैच है, लेकिन फोकस अभी भी आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ही है। नहीं, लीजर डेस्टिनेशंस में भी है। देखिए अभी हमारे पास 2,298 रूम है, 30 प्रॉपर्टीज हैं जैसे आपने खुद ही बताया। तो हमारी ये कोशिश है कि अगले 5 साल में अपनी जो इन्वेंट्री है 2,300 रूम की, इसको डबल कर दिया जाए लगभग 4,600, और हमारी बैलेंस शीट में लगभग 15 लाख स्क्वायर फीट जो है अनबिल्ट लैंड और FSI अवेलेबल है। तो इसके ऊपर हम लोग जो है अभी डेवलपमेंट शुरू हो गया है। 3 प्रॉपर्टीज में लगभग डिजाइनर्स अपॉइंट हो गए, और चौथी प्रॉपर्टी जो बहुत बड़ी 6 लाख स्क्वायर फीट की हमारी प्रॉपर्टी आने वाली है कैलकटा में, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी, लगभग तीसरी प्रॉपर्टी होगी कैलकटा में, एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो अच्छा ये छह विजय जी, लाख के एक लिए चीज पार्क बताइए मुझे। होटल ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट भी साइन किया है एक जी टॉप फर्म के साथ। वहां पे रेजिडेंसेस बनेंगे, होटल बनेगा, और जो होटल है वो रेजिडेंसेस की सेल से आएगा, तो उसमें कॉस्ट लगभग 0 हो जाएगी। तो उसके कारण इन्वेस्टर्स को और भी बेनिफिट मिलेगा। विजय जी, एक चीज़ बताइए कि जो मैं समझने के लिए बताइए, आपके इन्वेस्टर समझना चाहते हैं, होटल बिजनेस में बहुत ज़्यादा आप लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसको, उसकी लग्जरी मेंटेन करने के लिए। एक बार मैं गया, मान लीजिए किसी होटल में, द पार्क में,
तो नेक्स्ट टाइम मेरे को जाने के लिए कुछ और चाहिए ना, कि बहुत और कुछ लग्जरी हो, आदमी मन तो नई प्रॉपर्टी ट्राई करें, कुछ करें। ये एक ऐसी साइकोलॉजी, इसको कैसे आप मीटअप करते, मतलब ये सिर्फ टेंट हाउस बिजनेस है, हर 6 महीने में नई कटलरी चाहिए मेरे को, तो वैसे ही आप लोग कैसे इससे मीटअप करते हैं, या आप सोचते हैं हर बार एक नया ग्राहक आएगा, पुराना वाला रिपीट ही नहीं होता होगा? हम लोग जो है, हम अपने जो होटल्स हैं, पार्क के जो होटल हैं, वो एक जो हमारी दूरदर्शिता है वो विभिन्नता के ऊपर आधारित है। तो नई नई चीज़ों को हम लोग जो है उसको इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो हमारे जो होटल्स हैं वो आप दिन में अगर उनमें रहेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरा बिजनेस होटल है, और रात में रहेंगे तो पूरा एक एंटरटेनमेंट होटल बन जाता है। तो इस तरीके की नई नई टाइप के एंटरटेनमेंट इवेंट्स हमारे होटल में आते रहते हैं, और जिसके डीजे के इवेंट्स हों या फैशन शो हों या कोई थिएटर हो, तो एंटरटेनमेंट में हमारी जो विभिन्नता है वो सिर्फ इस भारत में अभी हमारा ही ऐसा होटल कंपनी है जो कि जिसकी विभिन्नता एंटरटेनमेंट और डिज़ाइन के ऊपर आधारित है। तो इसके कारण ऑल्सो भी हमारी जो ऑक्यूपेंसी है वो वीकेंड में बहुत रहती है, बहुत हाई रहती है, और ऑक्यूपेंसी में हम इंडिया में मार्केट लीडर्स हैं। सर ये जो साल का क्लोजिंग करेंगे आप 31 मार्च को, कितना इसमें 60-65 करोड़ प्रॉफिट बनाएंगे? देखिए 50 करोड़ तो बन गया आपका, हमेशा रहती है। देखिए कि इस वक्त जो क्वार्टर गया है, इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये हॉस्पिटैलिटी में थर्ड और फोर्थ क्वार्टर जो है वो लगभग सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, कि इसको सीजन टाइम बोला जाता है। तो डेफिनेटली जो इस तरीके का क्वार्टर थ्री गया है, हमें तो उम्मीद है कि क्वार्टर फोर उससे ज्यादा ही जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया बात है ये। तो आपने बताया कि आप अयोध्या और कैलकटा वाले खड़ा ही था, अयोध्या में आप प्लान कर रहे हैं और लक्षद्वीप में प्लान कर रहे हैं, बातचीत हो रही शायद सरकार के साथ मिलके या इंडिविजुअल आप ऐसा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीवान सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। थैंक यू। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स रिसेंट लिस्टिंग है, नतीजे अच्छे आए हैं, 9 महीने का प्रदर्शनी बढ़िया, और Q4 में भी उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत बढ़िया नतीजे पेश करें, क्योंकि बताई नहीं थर्ड और फोर्थ क्वार्टर बहुत अच्छा होता है इस कंपनी का। 209.85 रुपये इस वक्त ट्रेड करा, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।